अक्टूबर को हुए हमले को लेकर यह ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। इसराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में हमला किया था। इस हमले में नेतन्याहू ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया था। और अब ईरान के राष्ट्रपति की भी ये बहुत बड़ी चेतावनी देखने को मिल रही है और कहा गया है कि जब सही वक्त होगा तो इसका बदला जरूर लिया जाएगा। हालांकि इसराइल पहले इस बात को कह चुका है कि ईरान ने अगर बदला लेने की कोशिश की तो इसका अंजाम और ज्यादा बुरा होने वाला है। ईरान इसराइल से जो जंग इस वक्त चल रही है उसी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ईरान पर इसराइल के हमले की सैटेलाइट तस्वीर अब सामने आ चुकी है। इसी के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार के ट्रेनिंग सेंटर और मिसाइल केंद्र को निशाना बनाया था। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का बहुत बड़ा दावा किया था। सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार के ट्रेनिंग सेंटर और मिसाइल केंद्र को निशाना बनाया। और इस वक्त पूरे ईरान के हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इसराइल पर पलटवार का ऑर्डर कब देने वाले हैं। इसराइल को करारा जवाब देने के लिए तेहरान में सेना के टॉप कमांडरों की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगर उसने अब इसराइल पर हमला किया तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी परमाणु बम गिरने के खतरों के बीच चरमराती आर्थिक व्यवस्था के साथ और सबसे बड़ी बात की तबाह हो जाने के अंदेशे के बावजूद ईरान इसराइल पर कर रहा पलटवार की तैयारी। ईरान का इंतकाम बाकी है। ईरान की संसद में शपथ बदला लेकर रहेंगे ईरान खोल रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रपति पजेश्कियान रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को ऑर्डर पर ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इसराइल ने हमला कर ईरान को बदले की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। ईरान अब इंतकाम की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इसराइल पर ऐसा भीषण हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। मतलब तो वो मरबूत भी इन हरकत शरूरानी इसके के दो शबे पीछ इन जो अंजाम दादन खूब खुदशून हम अलबत्ते बुजुर्ग नमाई मिकोनन बुजुर्ग नमाई उना गलत है اما توجه داشته باشید। किस तरह बदला पूरा करेगा ईरान? क्या है ईरान की युद्ध की तैयारी? कौन कौन से हथियार हैं इसराइल पर हमले के लिए तैयार? अली खामेनेई कब तक देने वाले हैं इसराइल पर अटैक का ऑर्डर? ईरान ने हमला किया तो इसराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान? सवालों की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। इसके पहले वो सवाल कि ईरान के पास क्या पलटवार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसका जवाब समझने के लिए आपको ईरान की इस वक्त के हालात समझने होंगे जो ईरान की सर्वोच्च बनने की चाहत को चकनाचूर कर रहा है। ईरान के करीब करीब सारे मोहरे धूल धूसरित हो चुके हैं। मोहरा नंबर 1 हमास।
करीब करीब मटियामेट हो चुका है। मोहरा नंबर दो हिजबुल्ला चीफ डिप्टी चीफ समेत सारे टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। मोहरा नंबर तीन यमन के हुथी विद्रोही, इसराइल ने हुथियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं और वैसे भी यमन के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसराइल के लिए अकेला चुनौती बन सके। मोहरा नंबर चार सीरिया से ईरान को खास मदद नहीं मिलने वाली। मोहरा नंबर पांच इराक से भी ईरान को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमास हिजबुल्ला या हुथी सब ईरान के पाले हैं। ईरान के बिना इन समूहों की ताकत दाल में जीरे की तरह है। ईरान ने वर्षों से इन संगठनों को खाद पानी देकर पाला पोसा, अब ये सारे नेस्तो नाबूद होने की कगार पर है। लिहाजा ईरान जो मिडिल ईस्ट में इस्लाम का सबसे बड़ा अलमबरदार और इसराइल के अस्तित्व को खत्म करने के प्रति प्रतिबद्ध देश मानता है, उसकी सुपरमेसी पर ही खतरा मंडराने लगा है और इसका इलाज बस एक है कि वो इसराइल को करारा जवाब दे। पिटे हुए मोहरे को फिर से खड़ा करने के लिए ईरान को बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और वक्त चाहिए, जो ईरान के पास नहीं है। लिहाजा जंग ही वो आखिरी विकल्प है जिसमें हार युद्ध की चिंता किए बिना ईरान अपनी इज्जत महफूज रख सकता है। اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد ایران کے سپریم لیڈر اسرائیل کے خلاف بڑے پلٹوار کی تیاری کر رہے ہیں 2 اکتوبر کا اٹیک بھی ایران کے لیے آخری راستے کے طور پر تھا क्योंकि ईरान को सीधे इसराइल से लोहा लेना था। यह भी तय है कि यह लड़ाई अब और भड़क जाएगी। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो जवाबी वार करने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे हालात में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, लेकिन ईरान अमेरिका की चुनौतियों को फिलहाल नजरअंदाज ही कर सकता है। एक हमला ईरान ने किया 1 अक्टूबर को और करीब 200 मिसाइलें यहां पर दागी गई इसराइल की धरती पर और करीब 4 हफ्ते के बाद इंतजार किया गया और उसके बाद इसराइल ने इस हमले का करारा जवाब दे दिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। अब अमेरिका और यूरोप के देश ये कह रहे हैं कि एक बार ईरान ने मारा और एक बार इसराइल ने मारा, दोनों का हिसाब बराबर हो गया, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हिसाब अभी भी बाकी है। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि ईरान को अब इस हमले का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि यहूदी शासन के खिलाफ तेहरान करारा जवाब जरूर देकर रहेगा। उधर बाइडेन कह रहे हैं कि उम्मीद है इसराइली हमले के बाद तनाव खत्म हो जाएगा, मतलब अब इसराइल भी शांत हो जाएगा क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ये कह रहे हैं कि वे ईरान को समझ नहीं पाए कि ईरान क्या चीज है। जिन्हें ईरान समझ में नहीं आया है उन्हें समझा दिया जाएगा। इजराइल को पता है कि ईरान अब रुकेगा नहीं, इसीलिए इजराइल की सेना बार बार ये कह रही है कि देखो भाई हिसाब पूरा हो गया, तुमने एक मारा हमने भी एक मार दिया, हिसाब बराबर, अब इसीलिए पलटवार की सोचना भी मत। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि तेहरान के पास जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है, यानी कि अब बारी तेहरान की है। अब देखिए, अगर ईरान इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो उसका हश्र क्या होगा? क्या ईरान के पास इतनी फौज है और इतने घातक हथियार हैं जिससे कि इसराइल को कड़ी टक्कर वो दे सकता है? ये बड़ा सवाल है। इसराइल के खिलाफ ईरान की जंगी रणनीति अब क्या होने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अब सवाल है कि क्या ईरान इसराइल को जंग में हराने की क्षमता रखता है? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला कि ईरान के पास वो कौन से हथियार हैं जिनका जवाब इसराइल के पास नहीं है, और दूसरा ये कि हमले की सूरत में ईरान के साथ वो कौन सी शक्तियां होंगी जो ईरान को हथियार मुहैया कराएंगी। पहला जवाब पहले देखते हैं। ईरान के पास कितनी ताकत?
बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान के पास अलग अलग 12 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसराइल के पास 4 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एक उन्नत परमाणु कार्यक्रम है और वो कई परमाणु सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। युद्ध में सैनिक और हथियार के अलावा जो सबसे अहम होता है वो होता है साथी। ईरान इसराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इसराइल का साथ देगा, ये 100% पक्का है। लिहाजा सवाल ईरान का है कि उसके साथ कौन है। तो ईरान की फ्रेंड लिस्ट में है रूस, हो सकता है कि सऊदी अरब भी उसका साथ दे, क्योंकि इसराइल के ताजा हमले की उसने भी निंदा की है। तुर्की, जो इस्लाम के नाम पर ईरान के साथ हो सकता है। उत्तर कोरिया, जो अमेरिका को कॉमन दुश्मन मानकर ईरान का साथ दे सकता है। चीन, जो अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम करने में सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम देश जो अभी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, युद्ध की सूरत में ईरान का साथ दे सकते हैं। دیشب حدود ساعت 2 بین 2 تا 2 نیم اینا یه صدای خیلی ریزی ما شنیدیم سمت شرق تهران، صدایی بودش ظاهرا اقوام که تماس گرفتن و گفتن که ظاهرا حمله اسرائیل بوده. ایران غزه کا حماس نہیں ہے، لبنان کا حزب اللہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یمن کا ہوتی ودروہی، سیریا یا پھر عراق بھی نہیں ہے، لہذا ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ شروع ہوتی इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। वो ताकतें जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की सुपर मैसी सहने को मजबूर होते रहें, वो भी खुलकर सामने आएंगे। मतलब युद्ध बहुत ही भीषण हो सकता है। अब वो सवाल कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कब दे सकते हैं सेना को इसराइल पर पलटवार का ऑर्डर। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के 27 सितंबर 2024 को मारे जाने के 4 दिनों के बाद यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया था। इसराइल ने इसका जवाब 25 दिनों बाद 26 अक्टूबर को दिया। अब ईरान की पलटवार की बारी है और इसके लिए किसी तारीख का ऐलान ईरान की ओर से नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बस इतना कहा जा सकता है कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा तो जल्दी ही करेगा। वक्त की उलझन में कैद होने से बदले की आग के बुझ जाने का अक्सर अंदेशा होता है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद अजाम ने इजरायली हमलों पर कहा, हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि हम एक प्रमुख सिद्धांत का पालन करेंगे, हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। نظر شخصی من این بوده که حالا این حمله رو خیلی کوچیک انجام داده که مثلا بگه که من پاسخ دادم، نترسیدم که در اصل هیچ پاسخی ندم. یه حمله به هر حال انجام دادم. اینجوری نبوده که کاملا بدون جواب بذارم. ईरान के पलटवार की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि अमेरिका के कहने पर इसराइल ने ऐलान किया था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों या तेल रिफाइनरी को टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजरायली हवाई हमले के बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी शोधकर्ता के मुताबिक ईरान की उस इमारत को निशाना बनाया गया जो उसके बंद पड़े परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी। दूसरे रिसर्चर ने बताया कि उन इमारतों को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल मिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान की बौखलाहट स्वाभाविक है और पलटवार उसकी परिणति होगी। लेकिन दुनिया को जो डर सता रहा है वो परमाणु युद्ध का है। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन और उनके सिपह सालार दर्जनों बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि अभी इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही। इसराइल और ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हैं। इसराइल जंग अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानेगा और ईरान भी अपनी साख्त बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान और इसराइल के बीच जमीनी जंग होने की आशंका कम है, ऐसे में हवाई हमले होंगे और तब परमाणु बम सबसे विनाशक विकल्प के तौर पे दिखेगा। तो अब सवाल है कि ईरान ने हमला किया तो इसराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान।
इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो हमलावर को छोड़ता नहीं, तारीखों के फंदे में फंसे बिना दिन हफ्ते महीने वर्षों इंतजार जरूर करता है, लेकिन पलटवार की गारंटी होती है। यहाँ एक बात और जिसकी आशंका जताई जा रही है कि क्या इस बार ईरान के पलटवार करने पर इसराइल जवाबी कार्रवाई तत्काल शुरू कर देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इसराइल 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऊपर हमास के हमले के बाद और 8 अक्टूबर को हमास के खात्मे के लिए छेड़ी जंग के बाद से ही युद्ध मुद्रा में है। और ईरान पर हुए हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि जो भी हमें चोट पहुंचाता है हम भी उसे चोट पहुंचाते हैं और यही हमारा सिद्धांत है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को सटीक और शक्तिशाली भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हुए हमले से हमने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. אורג'ה.